तो हेलो दोस्तों जी, मेरा नाम है हर्षित संग्रावत और मेरे चैनल गपीस फॉरएवर पर आपका बहुत स्वागत है। तो आज का जो वीडियो होने वाला है वो आप थंबनेल से ही समझ गए होंगे कि किस चीज़ के ऊपर है वीडियो। तो आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले बस आपसे एक हमारी रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और बेल आइकन को दबाना भूलिए। और आप नहीं दबाए तो अभी सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए और ये वीडियो अंत तक देखिए अगर आपको मेरे गपी बाउल के अपडेट के बारे में अगर जानना है। तो चलिए वीडियो को अंत तक देखना प्लीज़, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और बेल आइकन को ना दबाना भूलिए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हेलो दोस्तों जी, मेरा नाम है हर्ष सिंह रावत और आज के वीडियो का टॉपिक है अपडेट ऑन माय मींस फर्स्ट वीडियो ऑन माय गपीज बाउल। तो जैसा कि आप देख सकते हैं ये मेरा बाउल है और इसमें लगभग करीब 70 to 80 फिशेज गपीज हैं। इसमें रेड एल्बिनो और कॉमन और इसमें रेड एल्बिनो और कॉमन गपी फिश हैं। और ये पूरा टैंक का सेट, ये मतलब पूरा बाउल का सेटअप करीब 300 के आसपास हुआ है। ये बाउल आपको मार्केट में बहुत सस्ते में मिल जाएगा, ये बहुत अच्छा बाउल है। ये मैं अपना बाउल 1 महीने के आसपास लाया था, पहले 1 महीने के पहले लाया था। तो ये मार्केट से पहले मेरे पास छोटा बाउल था तो वो क्रैक हो गया था साफ़ करते वक्त, इसलिए फिर मैंने दूसरा लाया था। जैसे कि आप देख सकते हैं इसमें मैंने मनी प्लांट लगाया जिससे वो नाइट्रोजन पानी से बाहर निकाल सके। और ये मनी प्लांट एक शो पीस के लिए भी है और अभी मैंने इसका ऊपर से कवर नहीं लगाया, तो मैं बहुत जल्द आपके लिए कवर भी बनाऊंगा, होममेड कवर मींस डाई कवर, डू इट योरसेल्फ वाला कवर मैं आपके लिए घर पे बना के दिखाऊंगा। तो ये वीडियो को अंत तक देखिए प्लीज़ और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए अगर आपको और जानना है। तो चलिए, जैसे कि आप देख सकते हैं इसमें रेड एल्बिनो शार्क घूम रही है, इसमें कॉमन ओ सॉरी रेड एल्बिनो गपी घूम रही है और इसमें कॉमन गोल्ड कॉमन सॉरी कॉमन गपी भी है। तो ये मैं मार्केट से पहले 50 रुपीज़ पेयर लाया था, तो 4 लाया था मैं। तो ब्रीड करते करते वो अभी मेरे पास अब लगभग 50 to 60 हो गई है और आने वाले समय में शायद वो 200 300 भी हो जाए, हो सकती है। तो प्लीज़ इसमें ये वाली वीडियो को देखना पूरी अंत तक देखिए अगर आपको थोड़ा सा और जानना है। तो ये आप देख सकते हैं इसमें मैंने हाइडिंग प्लेस भी लगाई और ये मैंने नीचे से जो सैंड है वो हटा दी क्योंकि इसमें से हार्मफुल गैस निकल रही थी जो मेरी फ़िश को हार्म कर रही थी और इसको इस मेरी फ़िश स्ट्रेस में आके मर रही थी, इसलिए मैंने ये अभी पूरे नीचे साफ़ कर दिया। सिर्फ मनी प्लांट है और दो हाइडिंग प्लेस है और ये आप देख सकती हैं मेरे एक्वेरियम से कनेक्टेड एयर पंप है। मैंने इसमें अपने बाउल में लगाया एयर पंप जिससे शो पीस के लिए, वैसे ये गपी फिश बिना एयर पंप के आराम से रह सकती है लेकिन मैंने अपने शो पीस के लिए लगाया क्योंकि ये वाइट लाइट में बहुत अच्छा लगता है, इसलिए मैंने ये शो पीस के लिए लगा के रखा है। अगर आप भी चाहते हैं कि आपको शो पीस रखना है तो छोटा सा कोई एयर पंप 150 के आसपास आता है मार्केट में तो आप ला सकते हो। तो आप देख सकते हैं इसमें मैंने एक आयरन वाला हाइडिंग प्लेस डाला और इसमें दो हाइडिंग प्लेस हैं और इसमें आर्टिफिशियल प्लांट भी है और ये पूरा टैंक का सेट है जैसा कि मैंने आपको बताया कि 300 के आसपास आया है। तो ये बाउल मींस एक शो पीस के लिए एक बहुत अच्छा लगता है, मींस एक्वेरियम से अच्छा ये लगता है, बुरा ना मानिए। तो ये अगर अपन किसी भी डेकोरेटिव जगह पर मींस अपने डाइनिंग टेबल पे बीच में रखते हैं बाउल को तो बहुत अच्छा लगता है डाइनिंग टेबल। तो इसी इसी प्रकार से ये गपी फिश का बाउल है, ये छोटी छोटी अगर बाउल में छोटी छोटी फिशेस रहती हैं तो बहुत अच्छा लगता है, इसलिए मैंने इसमें से दो मनी प्लांट भी लगाए हैं। आप देख सकते हैं इसे नाइट्रोजन को बाहर निकालता है पानी से और फिश को इजीली कैपेबल में रखता है। और इसका सेटअप अराउंड 300 के आसपास था, इसमें मैंने सैंड हटा दिए तो आपको अगले वाली वीडियो आने वाली वीडियोज़ में बताऊँगा कि हाउ टू ऐड सैंड, या आपको मैं रिवर्स सैंड लगा के बताऊंगा कि कैन वी एड रिवर्स सैंड इनटू दिस बाउल। तो आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, मैं आपके लिए बहुत जल्दी वीडियो लाऊंगा और आपके ऊपर आपके लिए मैं कपीस फ्राइज के ऊपर भी अपडेट लाऊंगा कुछ आने वाले टाइम में, इसलिए आपको थोड़ा पेशेंस रखना होगा। अगर आपको ये वीडियोज़ देखनी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और बेल आइकन को ना दबाना भूलिए जिससे आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहें। तो आप देख सकते हैं इसमें से मैंने मनी प्लांट है, आर्टिफिशियल प्लांट है। आर्टिफिशियल प्लांट करीब 2 साल पहले लाया था मैं 20 to 30 रुपीज़ के अराउंड और ये अभी मैंने हेडिंग प्लेस भी ऐड करी है क्योंकि आप देख सकते हैं एल्बिनो है, ये थोड़ा सा इसका पेड़ भी फूला फूला है, कभी भी ब्रीड कर सकती है, इसने ब्रीड कर दिया है तो
तो आने वाले समय में ये शायद ब्रीड कर सकती है, इसलिए मेरे हाइडिंग प्लेस अगर मैं नहीं देख पाऊँ तो ये आराम से हाइड कर सकती है। और मैं इस बाउल में और हाइडिंग प्लेस ऐड करूँगा, जैसे लाइफ प्लांट्स हैं और होममेड हाइडिंग प्लेस हो सकती हैं, वो आपके लिए थोड़ा सीक्रेट है। तो आपको आने वाली वीडियो में बताऊँगा कि हाउ टू मेक होममेड हाइडिंग प्लेसेस फॉर गपी फिश या फॉर एनी फिश यू वॉन्ट टू ऐड, तो मैं बताऊँगा, आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। तो चलिए आप देख सकते हैं ये बाउल का सेटअप कितना गुड लग रहा है, कितना गुड लुकिंग लग रहा है। ये आप अपने होम के लिए भी ला सकते हो, शो पीस के लिए, अगर आप कहीं बिजनेस में रखना है या कहीं अपने ऑफिस में या फिर कहीं पर भी, मीन्स आपको डाइनिंग टेबल पे या फिर अपने रूम में या स्टडी टेबल पे रखना है, तो ये बहुत एक अच्छा देखने में भी गुड लुकिंग लगता है। तो चलिए ये वीडियो मैं एंड करता हूँ, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना करना भूलिए। तो मैं ये अपना बाउल करीब 1 महीने से 1 महीने पहले लाया था, ये अपने मार्केट से लाया था, मैं झांसी सीपरी बाज़ार झांसी से मैं ये अपने बाउल लाया था अपने लिए। तो अब मैंने अपने बाउल के साथ सिर्फ बाउल ख़रीदा था और 4 मछली फिशेस ख़रीदी थी, 50 रुपीज़ पेयर में मिली थी मुझे, रेड एल्बिनो और कॉमन गोल्ड, कॉमन गपी फिश मुझे 30 to 40 रुपीज़ के अराउंड मिल गई थी। और ये गपीज़ को लगभग 4 महीने होने वाले हैं, तो उसके ऊपर भी मैं बहुत सारे अपडेट्स आपके लिए लाऊंगा, बस आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा, तभी आपको ये वीडियोस अवेलेबल रहेंगी। तो ये मैं 1 महीने पहले लाया था, तो मुझे ये पहले बाउल का बिल्कुल शौक नहीं था। तो सबसे पहले मैं एक्वेरियम, पहले अराउंड 2 साल पहले मेरे पास एक्वेरियम नहीं था, पहले मैं बाउल ही लाया था छोटा वाला, 120 या 150 वाला मैं बाउल लाया था छोटा सा। तो उसमें मैंने मॉलीज फिशेस भी पाली थी, तो मॉलीज से फिर मैं बोर हो गया था। फिर मॉलीज के बाद फिर मैं अभी 4-5 महीने से पहले फिर मैं छोटा वाला बाउल लाया था, उसमें भी गपीस थी 4, तो इसमें वो बाउल साफ़ करते वक्त क्रैक हो गया था, इसलिए फिर मैं अपने लिए बड़ा वाला बाउल लिया आया, 250-200 के अराउंड ये बाउल है। तो उसमें आपको देख सकते हैं ये कितना बड़ा है, मीन्स गपी फिश के लिए बहुत अच्छा है ये। तो इसलिए फिर मैंने ये बड़ा बाउल लाया, मैं उसमें अपनी 4 फिशेज़ ऐड करी और फिर धीमे धीमे ब्रीड करती गई मेरी फिशेज़, और उसमें और ऐड होती गई। तो अपने आप ये आप देख सकते हैं 7 to 8 फिशेज़ अपने ऐड हुई हैं, मीन्स ये ब्रीड कर रही, मैंने खाना खिलाया बच्चों को और ये बड़ी हो चुकी। तो मैं आप काफ़ी अपने दोस्तों को भी दे सक